जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद अब बसपा ने प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और इसके लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गोहाना में अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की, वहीं इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, खत्म होने दीजिए और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम भी आपके सामने आ जाए कि बीजेपी अब क्या 75 छोड़ी है, वो फिर वापस 4 पे पहुंच जाएगी और बहुजन समाज पार्टी अब की बार सरकार बनाने का काम करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 45 तिरसा विधानसभा क्षेत्र में जोनल मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विधानसभा क्षेत्र में 2 जोन बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जोन 1 के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशरण अभियंता और जोन 2 के लिए काउंटन रिसर्च स्टेशन सिरसा के प्रिंसिपल को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। आचार संहिता लगने से पहले पानीपत के बीजेपी विधायक और निगम पार्षद अधूरे कामों को पूरा करवाने और नए शिलान्यास के लिए नारियल फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगा रहे हैं। दरअसल टिकट के मोह में बंधे नेताओं में होड़ लगी है कि वो ही विकास पुरुष हैं। बीजेपी के कई विधायक आजकल दिल्ली और चंडीगढ़ के रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे विधायकों को अपनी टिकट काटने का डर सता रहा है। दरअसल कई की सर्वे रिपोर्ट खराब आने, कई पर भ्रष्टाचार के छींटे होने और कई पर पब्लिक के बीच पार्टी की छवि को उजला न रख पाने से पार्टी नाराज है। हरियाणा कांग्रेस 2019 विधानसभा चुनाव के लिए 1-1 लोकसभा के तहत आने वाली तमाम विधानसभा में एक साथ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर नया जोश फूंक रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अस्थि मास्टर प्लान तो बीजेपी के उन संभावित बागियों के आसपास घूम रहा है जो कमल के टिकट की रेस में पिछड़ने के बाद असली जंगी घोड़े बन हर हाल में चुनाव में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के ऐलान से पहले ही हरियाणा के सियासी दलों ने एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़ना शुरू कर दिया है। वर्चस्व की इस जंग में हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में अभय चौटाला ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। अभय चौटाला का कहना है कि चर्चा चल रही है कि बीजेपी में टिकट बिक रहे हैं। बता दें कि सिरसा में इनालो कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया।